विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों की तरफ धर्म के अवतार हैं। जब दोनों तरफ धर्म है तो फिर एक की हार और एक की जीत क्यों होती है? भाई धर्म तो दोनों तरफ है। इसका सीधा सा निर्णय आपकी समझ में आ जाएगा। कि जहां धर्म की आज्ञा में सब चलते हैं उनकी विजय होती है, और जो धर्म को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं उनकी हार होती है। धर्म को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं कल या परसों बात चली थी ना कि आज शांति का अभाव है, सुविधा बहुत होते हुए भी प्रेम का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, जबकि आज से 50 साल पहले सुविधाएं कम और ये चीजें भरपूर थी, प्रेम, स्वास्थ्य, शांति पहले भरपूर थी। अब शिक्षा तो बढ़ी लेकिन विद्या नहीं बढ़ पाई, इसलिए धर्म का ह्रास होने लगा। धर्म का ह्रास होने लगा, धर्म कम होने लगा और धर्म क्या है? धर्म एक चलनी की तरह से है। जो कर्म और विकर्म को छांट देता है धर्म, कर्म और विकर्म को छांट देता है। जैसे चलनी अच्छे आटे को अलग कर देती है और भूसी को अलग कर देती है, ऐसे ही धर्म वो ज्ञान है, वो धर्म वो स्वभाव है कि जो ये बता देता है कि ये करने लायक है और ये करने लायक नहीं है, और वो विद्या से गुणने से प्राप्त होता है, शिक्षा से नहीं। और शिक्षा जब अधिक बढ़ती है तो अहंकार को देती है, और विद्या जब अधिक बढ़ती है तो विनम्रता को देती है। शिक्षा और विद्या में मैंने अंतर बताया था, उसको और आगे बढ़ा रहा हूं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को प्राप्त कराती है, देती है। विनयात याति पात्रताम, और विनय से आदमी के अंदर पात्रता आती है। विनय माने शील, विनम्रता यानी झुकाव, नीचापन, दैन्य। और भैया धरती पे जो भाग नीचो होगा सिमट के दुनिया भर को पानी व नीची जगह में अपने आप आवेगो, चाहे दुनिया रोक रोक के मर जाए। हैं? चंबल के किनारे पे जो सरसों बोई जा रही हैं, बिन में ट्रॉली धर के चंबल में तो जब भत्तक आए तो ऊंचे बारे हिस्सा पे पाइप डालते हैं। हैं? कितने ऊंचे पे डाल ले लेकिन पानी ढरक के पहुंचेगा। विद्या विनयम ददाती,
और विनय से पात्रता आ जाती है। समिते समित भर तला छाती पे है कि श्यापन करो,
श्याप निकल गो, अब टकराए रो। लोगों ने पूछा कि भाई अब तो खायो ना है, अब तो वो गयो, अब तो तू ठीक है, कोई दिक्कत ना, अब चौं रो रो है। बोले बात वो नहीं है, वो बाइक गैल दिख गई ना है, कि वो गैल पर गई, अब वो फिर निकल है, वो चूको गैल पर गई ना। तो ऐसी एक बार जब लौकिक धर्म का उल्लंघन होगा, अपमान होगा, तो फिर किसी दिन पारलौकिक परम धर्म का भी उल्लंघन होगा। गैल पर गई ना, तो पहले इस दुर्योधन के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में केवल धर्म का ही उल्लंघन नहीं हुआ, केवल धर्म का ही अपमान नहीं हुआ, धर्म है विदुर, लेकिन उस सभा में परम धर्म भी था। परम धर्म कौन है? बोले परम धर्म है श्री कृष्ण महाराज, उनका भी अपमान हुआ। अब जहां जिसके दरबार में धर्म का भी और परम धर्म का भी जहां अपमान होता हो, फिर उसके विनाश को तीनों लोकों में कौन रोक सकता है? भैयाओ, विदुर जी महाराज, ये डबल आवाज, देखिए इसकी आवाज बड़ी है क्या? इधर मुंह क्यों करवा दी? अच्छा, तो धृतराष्ट्र कहता है कि भैया विदुर, मेरे हृदय में बड़ी घबराहट हो रही, बड़ी बेचैनी हो रही है। विदुर जी ने कहा ये श्लोक जो मैं कहने जा रहा हूं भागवत का तो नहीं है, बाहर का श्लोक है। काष्ठभार सहस्रेण घृतकुम्भशसेन च अतिथिर्यस्य भग्नासो तस्य होमो निरलं। काष्ठ भार सहस्रेण, हजारों मन लकड़ी और घृतकुंभ सतेन च, सैकड़ों घड़े घी के, और इतना बड़ा यज्ञ किया जाए, लेकिन यदि किसी के यहां से अतिथि ही यस्य भग्नासो, यदि उसके यहां से किसी अतिथि का अपमान हुआ, तो तस्य होमौ निरर्थकम्। इतना बड़ा यज्ञ एक बार के अतिथि अपमान करने से समाप्त हो जाता है, इतना बड़ा पुण्य खत्म हो जाता है। एक सामान्य अतिथि की बात है ये, और जिसमें परम धर्म परमात्मा आया हो, फिर उसका अपमान हुआ हो, तो फिर तुम्हें भैया शांति कैसे रह सकती है? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि तुम्हें चैन कैसे मिल जाएगा? तुम्हारे यहां तो परम ब्रह्म का अवतार हो, जो अपमान हुआ है, कैसे शांति मिल जाएगी? और तुम मौन बैठे रहे, तुम्हारी औलाद ने उन्हें क्या क्या कहा, और ऐसा होता ही रहेगा जब तक पुत्र मोह बना रहेगा, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? पुत्र मोह के कारण।
ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं, यदि पुत्र मन मोह न होता तो तुमने तुरंत जो है उसी समय एक्शन लिया होता, लेकिन तुमने एक्शन नहीं लिया ना, चुपचाप गांवन की भाषा में कहते हैं मीठी पी गए, मीठी पी गए, चुप रह गए। अशांति तो होगी, और जब तक तुम्हारी सभा में दुर्योधन जैसे लोग रहेंगे तब तक ये सब होता ही रहेगा। अब तो वो और ज्यादा जवान होता जा रहा है, और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, इसलिए एकेन शुष्क वृक्षेण, यदि पूरे वन में कोई एक दो वृक्ष ही सूखे है जाए तो बिना रगड़ खाए खाए के आग लग जाती है, और फिर संग में हरे भी जलते हैं, हैं? एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखा पेड़ तुम्हारे खानदान में पैदा हो गया है, आग पूरे कुनवा में लगेगी और जलेंगे अड़ोसी पड़ोसी भी, अड़ोसी पड़ोसी राज्य भी तो मरे बाबू, काबू कोई बटोल लायो, काबू कोई बटोल लायो, है ना। ऐसे उपदेश दे ही रहे थे, लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है। देखो बुरा मत मानना, ये सामाजिक बातें हैं। एक बात है, दीवाल को आला और घर को साला कमजोर कर देते हैं, दीवाल को आला, आरोह अलमारी, और घर को, इसलिए अब जो है ना आजकल जो मकान बनते हैं उसमें अलमारी नहीं बनाई जाती, अलग से दीवार पूरी खड़ी करी जाएगी, बाद में फर्नीचर लगेगा, लोग समझदार रह गए, लेकिन घर ही के ईंट पत्थर के मामले में समझदार रह गए। अपने जीवन के मामले में बिल्कुल अलविज्ञ हो गए हैं। घरों को कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, हैं? बड़े बड़े डिजाइनर पैदा है गए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को कैसे संवारा जाए, सजाया जाए, दिव्य बनाया जाए, इस बात का ज्ञान लुप्त होता चला जा रहा है। जबकि बाहर के कितने भी सजावट और श्रृंगार कर लें, शांति तब मिलेगी जब जे सज जाएगो, जे समर जाएगो भीतर, फिर तुम्हें चंबल की रेती में परे रहोगे तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, हैं? और ये भीतर ते बिगड़े हो है तो बड़े बड़े कोठियों में भी आनंद तो बहुत अलग की बात है, क्षणिक शांति भी नहीं मिलेगी। विदुर जी महाराज ने समझाया और दुर्योधन को बात आई थी कि दीवाल को आला और घर को साला, ये कमजोर बना देते हैं, शकुनी क्या साला ही तो है धृतराष्ट्र का। सीधे जाकर के दुर्योधन को ऐसा फूंका, ऐसा फूंका, दुर्योधन सीधा बजने लगा। कुछ लोग शंख होते हैं, काउ ने जैसे फूंक दो वैसे बजन लगे, और आकर के अपने ही पक्ष। एक बात और आपको बताऊं, भगवान शांति दूत बन करके आए तो सच बात तो यह है कि दुर्योधन को समझाने नहीं आए, न धृतराष्ट्र को समझाने आए। लंका में भगवान ने विभीषण को भेजा था
तो कोई रावण को समझाने नहीं भेजा, सीता की सुध लाने के लिए भी नहीं भेजा, गलती भर गलत फहमी मत रहना, सीता की सुध लाने के लिए खोज के लिए हनुमान जी की क्या जरूरत थी। सीता जी का पता तो देखो सही सही बतावे, जटायु ने बता दिया था। जटायु ने कहा कि दक्षिण दिशा को रावण जो है सीता माता को लेकर के गया है, मेरा युद्ध हुआ था, मेरे पंख कट गए, नहीं तो मैं और भी लड़ता, और वो दक्षिण दिशा को लेकर गया है। और रावण का पता किसको पता नहीं था उस समय उस जमाने में, बताओ। सीता का पता तो तभी लग गया ना। अरे हाँ ना तो करो भाई, हाँ हाँ, तो फिर सीता की खोज कर भी क्या जरूरत थी। हनुमान जी के जावे के कई कारण और थे, उनमें से एक कारण था क्या कि मैं जब तक लंका पे आक्रमण नहीं कर सकता, जब तक मेरा भक्त उस लंका में बैठा हुआ है उसे निकाल ले आओ, तब मैं लंका पे आक्रमण करूं। विभीषण निकल जा रहा है, क्या पंडित ऐसे ही यहां भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जब जा रहे थे ना, तो द्रौपदी ने कहा था कि मैंने तो केशव सौगंध खाई है कि मैं दुशासन की छाती के लहू से जब तक इन बालों को धो नहीं लूंगी तब तक मैं केश बांधूंगी नहीं। भीम ने पूरी भरी सभा में ये सौगंध खाई थी कि मैं दुशासन की इस जंगा को, दुर्योधन की जंगा को नहीं तोड़ूंगा तब तक अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुम शांति दूत बनकर के जा रहे हो तो एक बात बताओ, तुम जैसा व्यक्ति जो शांति दूत बनकर के जाएगा तो शांति होनी होनी उसे रोकेगा कौन भाई। आपकी तो इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर आप जा रहे हो तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा, अनेकों लोग प्रतिज्ञा करे बैठे उनका क्या होगा। तब एक प्यारी सी बात केवल द्रौपदी को बताई और किसी को नहीं बताई भगवान ने, कहा कृष्णा युद्ध तो होगा। अरे जब तुम शांति दूत बन करके जा रहे हो फिर युद्ध कैसे हो जाएगा। तब भगवान ने कान में कहा, मेरा नाम केवल शांति दूत है, मैं तो अपना एक भक्त छुपा पड़ा है वहां, मैं उसको निकालने जा रहा हूं। बोले कौन? बोले विदुर। यदि वो निकल आएगा फिर यहां भीषण आग लगेगी, और जब तक मेरा भक्त है तब तक मैं आग कैसे लगने दूं। चलते समय भगवान कान में कह के आए थे विदुर जी से, अब आप निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, हम नहीं कह रहे कि तुम पांडवों की तरफ आओ, पर केवल यहां से, यहां अब आग बरसने वाली है और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे बड़े प्रिय हो। अपना जो सारथी था दारुक वो भी पहले ही विदा कर दिया कि तुम जाओ। अंतिम समय सिर्फ दो व्यक्ति रहे और दोनों व्यक्तियों को भगवान ने अपनी पूरी भागवत की कथा सुनाई, और कथा सुनाते सुनाते भगवान की आंखों में आंसू आए। उद्धव ने भगवान की ओर देखा कि आपकी आंखों में आंसू? बोले हाँ। बोले मुझे एक भक्त की याद आ गई। बोले किसकी? बोले विदुर की। ऐसा भक्त जिसने मेरी हर आज्ञा का पालन किया, क्योंकि श्रुति स्मृति मवई वाग्ये, ये श्रुति स्मृतियां मेरी ही आज्ञा हैं, मेरी हर आज्ञा का पालन किया और कभी कुछ मुझसे मांगा नहीं, और मेरी याद मेरा चिंतन हमें सतत लगन संलग्न रहता है, रहते हैं मेरे विदुर जी, मुझे उनकी याद आ गई।
अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को इस अंतिम समय पे न यशोदा की याद आई, न नंद बाबा की, न वसुदेव की, न देवकी की, न राधा की, न रुक्मिणी की। अंतिम समय पे, और अंतिम समय पे किसकी याद आती है? जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, भीतर बसा होता है, हैं? अंतिम में विदुर जी की याद आकर के भगवान की आंखें भर आईं और मैत्रेय जी से बोले कि हे मैत्रेय जी, ये जो मैंने कथा तुम्हें सुनाई है भागवत की, इस कथा को मेरे प्रिय विदुर को सुना देना, इस कथा को मेरे प्रिय विदुर को सुना देना। अब कल्पना कर सकते हो कितना कितना प्यार रहा होगा हृदय में, कितनी प्रीति रही होगी। न माता न पिता तस्य, न माँ की याद आई, न बाप की याद आई, न राधा की याद आई, न रुक्मिणी की याद आई, केवल विदुर की याद आई। उद्धव जी ने यह पूछा, चालू उद्धव जी ने यह पूछा, ठीक है, कि भगवान आप धराधाम को छोड़कर के जा रहे हो और अभी तो आपकी इस धराधाम को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तब भगवान ने कहा, नहीं मैं जा नहीं रहा, मैं अब अनेकों रूप धारण करूंगा। बोले क्या रूप धारण करोगे? तो तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद भागवतारणवम, जो भागवत की कथा सुनाई थी उसी कथा में भगवान ने कहा कि मैं प्रवेश कर रहा हूं। जो जो इस कथा का सहारा लेंगे मैं उनके साथ सदा रहूंगा, हमेशा रहूंगा इस कथा के रूप में। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये कथा ही भगवान का विग्रह बन गई। तो उद्धव जी इतने प्रिय, ओ विदुर जी महाराज इतने प्रिय थे भगवान के। तो भगवान जो है द्रौपदी से कहते हैं कि अरे द्रौपदी, मैं कोई शांति दूत बनकर के कोई युद्ध शांत करने नहीं जा रहा, और फिर जब तक दुर्योधन जैसे लोग बैठे हैं और दुर्योधन के नजदीक शकुनी जैसे लोग हैं, मैं क्या मोते कोई बड़ी शक्ति आ जाए तब तक उस परिवार में कभी शांति होने वाली है ही नहीं है। एक तो काऊ को स्वभाव उग्र होए, और फिर काऊ शकुनी जैसे सातिर आदमी को संग और प्राप्त है जाए, तो एक तो गिलोय और बहु में नीम चढ़ी है, अथवा कहो एक तो करेला और बहु फिर नीम चढ़ो है। तो दुर्योधन जैसा कलयुगी प्राणी और उसको भी फिर शकुनी जैसे का साथ मिल जाए, वहां मेरा शांति दूत बनकर के जाना कोई मतलब नहीं है। बोले द्रौपदी केवल तुझे बता रहा हूं, ध्यान रखना, मैं केवल अपने भक्त को निकालने जा रहा हूं। फिर द्रौपदी निश्चिंत हो, कोई बात ना तो जाओ है। अब इधर शकुनी ने विदुर जी जो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे उस बात को सुन करके दुर्योधन को भड़का दिया कि बताओ तेरे ही परिवार में तेरे ही अपने लोग तेरे संग कहा कर रहे हैं, तो कुछ पता है? एक बात कहना चाहता हूं आप सभी से, अपनों को कभी परायों की नजर से मत देखना, अपनों को कभी परायों की नजर से मत देखना, नहीं तो फिर अपनों में अपनापन नहीं कुछ और नजर आने लगेगा। शकुनी पराया है, विदुर अपने हैं, लेकिन शकुनी की नजर से
जब दुर्योधन ने अपने चाचा को देखा तो फिर चाचा में चाचा नहीं दिखा, चाचा में दुश्मन दिखा है। अपनों को कभी परायों की नजर से मत देख लेना, नहीं तो आंख फूट जाएंगी। जो अपने होते हैं ना, उन अपनों को अपनों की ही नजर से देखना तो तुम्हें उनमें वास्तविकता नजर आ जाएगी। अपनों को अपनों की नजर से देखो, अपने गुरु को अपनी नजर से देखो, अपने माता पिता को अपनी नजर से देखो हैं, या मां की नजर से देख लो, अपने पिता को अपने पिता की नजर से देख लो। लेकिन जब गैरों की नजर से देखते हैं ना, तो फिर बात समझ में नहीं आती। दुर्योधन ने फटकारा और कहा कि मेरे टुकड़ों पर पलते हो और मेरे घर में रह करके मेरी बुराई कर रहे हो। अब भैया, धर्म का काम तो दर्पण दिखाना है, धर्म का काम तो दर्पण दिखाना है, संतों का काम, विप्रों का काम, गुरुओं का काम तो दर्पण दिखाना है। अब तुम्हारा मुंह ही खराब है तो दर्पण दिखाने वाले पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा करो अपने मुंह पे, अपने अवगुणों पे, अपने विकारों पे, लेकिन हम तो शीशा दिखाने वाले पर गुस्सा करते हैं। भैया, दुर्योधन को अपना चेहरा दिखाई नहीं देता और दर्पण दिखाने वाला यानी विदुर जी महाराज के ऊपर गुस्सा किया। अब विदुर जी महाराज कोई हम जैसे तो हत नहीं है कि चाहे जूता परे, चाहे लात परे, चाहे गाड़ी परे, पर मैं घुस गए मरे ना ना। वे तो बस भगवान जादनाते आए काए, विदुर जी के यहाँ भोजन कर गए, वे तो केवल बहानों देख रहे निकर वे को, है ना। मैं एक बात बताऊं आप सबको, बड़ी प्यारी संतों की बताई बात है। हम रोज शाम को सोते समय भगवान से यदि ये कहें और जग करके, दोनों टाइम सुबह जगते समय और सोते समय भगवान से ये कहें कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरे साथ जो भी करता करते हो वो अच्छा करते हो, बस मुझे हमेशा आपकी अच्छाई समझ में आती रहे, ऐसी कृपा करना, तो तुम्हें जो है भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी छुपी हुई भगवान की कृपा समझ में आने लगेगी कुछ दिन बाद, ऐसी प्रार्थना करोगे तो। क्योंकि भगवान, जब ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान भीतर ही बैठे हो, वो बातें सुनेगो और सुनेगो तो तुम्हें समय समय पे बताता रहेगा कि ये जो गड़बड़ी हो रही है ना, घबराना मत, ये गड़बड़ी तेरे भले के लिए रह रही है, पर बात समझ में आवेगी बाद में। काउ जमाने में यहाँ के लोग जो है, कछु बालक हमारे गुजरात में रह रहे हैं यहाँ के काफी लोग, और काउ जमाने में बिनके संग इतनी गड़बड़ी कछु बही के यहाँ थे भागनो पड़े हो, इन्हें बास में बड़ी बुरी लगी होगी, लेकिन अब भी सोचते होंगे कि निकल गए तो बढ़िया रहे, निकल गए तो बढ़िया रहे। लेकिन यदि पहले से कहू महापुरुष की कृपा होती तो बहु समय ये बात समझ में आती भीतर से, इतनी बास में कलेश नहीं होता। भगवान जो इशारों कर रहे को वह समझ के आगे बढ़ जाते तो काम तो तब भी यही होता, लेकिन भीतर से बजाय गुस्सा के, बजाय दुख के, हमारे अंतःकरण में खुशी का, प्रसन्नता का संचार होता है। तो विदुर जी को जो है ना, एक मिनट नहीं लगी, भगवान समझ गए कि जी दुर्योधन ना बोल लो, जो भगवान की कृपा बोल रही है, हैं? भगवान जो चाहते थे कि तुम जाते कैसे जल्दी से जल्दी निकलो, यहाँ आग लगने वाली है, अब मैं अपनी ओर से जाता तो ठीक नहीं पड़ता, अब जय कह रहा है। दुर्योधन कहता है मैं तुम्हें धक्के दे के निकालूं कि अपने आप निकल जाओगे। तो विदुर जी अंदर से बोले कि मैं तो डोली रहा था तो धक्का की जरूरत ना,
बस हम तो चले, बस वहीं इस्तीफा दे दिया, मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया और वहीं धनुष अपना रखा, जो भी था सामान रख दिया और कहा भैया कोई गलती भई हो क्षमा करियो, मैंने अब तक अपनी इस मातृभूमि का खाया पिया था, मैंने उसका कर्ज चुकाने की कोशिश की, अब मैं कर्ज चुकाने में असमर्थ हूँ। पिता में भीष्म का हृदय टूट गया कि एक ही तो सत्य कहने वाला था और वो भी चला गया। अब सभा बिल्कुल कैसी हो गई, रामायण में बड़ी अच्छी बात कही है, करो याद करो, चौपाई बोलेंगे ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, रावण जब ही विभीषण वृंदावन पहुंचे, उद्धव जी से भेंट हुई, उन्होंने कहा आपका इंतजार हो रहा है, मैत्रेय जी महाराज हरिद्वार में गंगा के किनारे जाओ, पहले से ही आपकी तैयारी भगवान ने कर रखी है, भगवान तो जन कब से इंतजार कर रहे थे, मैत्रेय जी आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वहां मैत्रेय जी के पास में गए हैं, विदुर जी महाराज चरणों में प्रणाम किया, गले से लगा लिया मैत्री जी ने, दो भक्त भगवान के भक्त मिले हैं, नेता मिलते हैं तो राजनीति की बात होती है, हैं? कलर वाले मिलते हैं तो कलर की बात होती है, हैं? किसान मिलते हैं तो सरसों की और गेहूं की बात होती है, और जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की बात होती है, धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा। आज दोनों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि कहने वाले को सुनने वाला चाहिए और सुनने वाले को कहने वाला चाहिए, दोनों को मिल गया। पता है मैत्रेय जी महाराज ने आभार प्रकट किया कि आप आए, मैं सोच रहा था भगवान की कही हुई दी हुई आज्ञा का मैं कब पालन करूं, उन्होंने कहा था मेरे विदुर को सुनाना, अब विदुर आवे तब तो। विदुर जी महाराज बहुत सारी बातें पूछते हैं, अपने जन्म कर्म के बारे में भी पूछते हैं, उसके बाद इस सृष्टि के बारे में प्रश्न करते हैं कि महाराज ये सृष्टि क्या है, कैसे पैदा होती है। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, शुरुआत में जब सृष्टि पैदा होती है तो नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पहले चार पुत्र जिन्हें हम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहते हैं, वे पैदा भए लेकिन सीधे पैदा होते ही भगवान के भजन में लग गए, उन्होंने सृष्टि आगे नहीं बढ़ाई,
उसके बाद फिर 10 ऋषि पैदा किए, वो भी भक्ति में लग गए, सृष्टि आगे फिर नहीं बढ़ी। फिर रुद्र और रुद्राणी पैदा किए, उनसे सृष्टि तो बढ़ी पर तमोगुणी, उसे रोका गया। उसके बाद फिर मनु और शतरूपा, और इन्होंने फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आदेश है, हम आदेश करिए हमको क्या करें। बोले बेटा मैं सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बोले आपकी आज्ञा का पालन होगा। बोले पुत्र सचमुच में वही है जो पिता की इच्छाओं को समझे, पिता के हृदय की बात को समझे, पुत्र वही तो है। भैया मनु जी महाराज, मनु और शत्रुपा से फिर ये सृष्टि आगे बढ़ी, जिसमें उनके 5 संतानें हुई, 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ में हुआ। करदम जी महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या करी थी। आजकल तो भैया नेक भजन पूजा पाठ कर लें और नेक मन की बात पूरी नहीं भई तो फिर भगवान नहीं है, संदूका में बंद कर गए, तई पूजा करते करते मर गए, तब हमारी भैंस मर गई, आज के बाद पूजा बंद है। 10,000 वर्ष तपस्या करी, देवहूति जी से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि 1 संतान हो जाएगी, उसी समय में वैराग्य ले लूंगा, मुझे संसार में मन नहीं है। बोले ठीक है। देवहूति भी बड़ी तपस्विनी थी, उन्होंने कहा मैं भी चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, और एक जैसे पति पत्नी मिल जाए तो समझ लो बातें ज़्यादा सुखी जीवन और क्या हो सकता है, है? एक मन के मिल जाए, एक स्वभाव के मिल जाए। देवहूति और करदम जी महाराज से 9 कन्याएं पैदा हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो करदम जी महाराज ने फिर देवहूति से कहा कि अब मुझे जाने दो, पहले हमारा तय हुआ था। देवहूति ने कहा मैं रोकूंगी तो नहीं, पर हां ये जरूर कहूंगी कि मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे मुक्ति दाता महापुरुष की शरण में रही लेकिन मैं आपसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाई। बात समझिएगा मेरी, पानी कठिन नहीं है लेकिन प्यास कठिन है, परमात्मा कठिन नहीं है लेकिन परमात्मा को पाने की जिज्ञासा कठिन है, मनुष्य का जन्म इतना कठिन नहीं है लेकिन मनुष्यता बहुत कठिन है। मनुष्य का जन्म मिल गया लेकिन मनुष्यता ये बहुत कठिन है। ऐसे ही मुक्ति कठिन नहीं है लेकिन मुमुक्षता, शंकराचार्य भगवान कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षत्वम् महापुरुष संश्रय। बोले 3 चीजें दुर्लभ हैं, त्रयम् मनुष्यत्वम्, मनुष्य का जन्म नहीं मनुष्य में मनुष्यता, और मुमुक्षत्वम् मुमुक्षा,
और तीसरा है महापुरुषों का संसर्ग, शरणागति, सत्संग। बोले ये तीन चीज दुर्लभ है। इसको लौकिक भाषा में लोगों ने ऐसे कहा, दो को कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, और सत्संगते और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो कहती है देवहूति कि मेरा दुर्भाग्य है, आप जैसा बैरागी, आप जैसा जीवन मुक्त महापुरुष पाकर के मैं एक बात आपसे बहुत काम की बात है महापुरुषों की दी हुई, और यहां श्रोता भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, संतों का समाज, विप्रों का समाज, इसलिए कुछ गहरी गहरी बातें कहने का भी मन हो रहा है। मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं, साधारण सी बना करके। कितना भी बड़ा महात्मा मिल जाए, साक्षात परमात्मा मिल जाए, लेकिन जब तक भीतर से मुमुक्षा नहीं जगेगी तो हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। चाहे कितनों बड़ो महापुरुष बने रहे और परमात्मा साक्षात बने रहे, इसलिए उनका मिलना अलग बात है, लेकिन भीतर से पहले जिज्ञासा जगे, प्यास जगे। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं कि ये गहरी सी बात इसमें ले जानी है मुझे कि ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी तुम ये बता सकते हो कि पृथ्वी खट्टी है कि मीठी है कि कड़वी है कि नुनखुरी है, या धरती के पास में कौन सा गुण है? धरती के पास में तो भैया सारे गुण हैं, लेकिन लेने वाले का स्वभाव कैसा है वो अपने आप वही लेगा पूरी धरती में से। गन्ना का टुकड़ा गाड़ दो, जब उपजेगा तो धरती में ते मिठास ही लेगो, और नींबू का पेड़ खटास ही लेगो। धरती को कोई दोष है वामे? धरती कोई पक्षपात कर रही है का? और मिर्च, मिर्च क्या लेगी? और मिर्चों में भी एक मिर्च होती है जो खड़े कान की होती है, यूं पेड़ पे हु नीचे ना लटक दे, सीधी यूं ठाड़ी होगी। बाकी मारा तो तुम जानते ही हो, कबू धोखे ते खबर गई हो कबू। दूसरे दिन सुबह तक भी बताती रहती है कि तैने मैं खाई थी। वो जो इतना कड़वापन, इतनी कड़वाहट कहां से आई? धरती में से। लेकिन क्या धरती ने दी है ना? ये बड़ी गहरी बात है। यदि हमारे अंदर जैसा खींचने का स्वभाव बन जाएगा, मिठास, खटास, कड़वाहट है ना, हम हर जगह वही खींच लेंगे। हाँ या ना? है ना? तो वो जो खटास मिठास खींचने का जो स्वभाव है, उनमें से मिठास खींचने का स्वभाव कहाँ मिलता है? रमा में शांति बाबा के आश्रम पे जो साधना के लिए जो लग्यो है मेला, या मेला में यदि भाव लेके आ जाए तो दुनिया में ते मिठास खींचवे को हमारो स्वभाव बन जागो।
है। फिर जई दुनिया में रहोगे, कहूं रहोगे तुम तो, फिर वहीं जाकर के लोगों से प्रेम खींच लोगे, प्रेम पाओगे, प्रेम दोगे, है ना। देवहूति यही तो कहती है कि मेरा दुर्भाग्य है। बोले क्यों? बोले आप जैसे वैराग्यवान को पाकर के भी मैं आपसे वैराग्य ही नहीं मांग पाई कभी। मैं तो बिना ही फंसी रही संसार के मोह ममता इन्हीं में फंसी रही। नेह यद्य कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न पिमृतो सह। नेह यद्य कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न पिमृतो हि सह। अपने पति से कहती है भगवान क्या बताऊं, ये मेरा जीवन न तो धर्म के काम आया न वैराग्य इसमें पैदा हुआ इस शरीर से इस जीवन से। कल हम चंबल गए तो हमें बीच में कई झुंड बकरियन के मिले, बकरियां चर रही, गाड़ी के आगे आ जाएं तो जो रास्ता है या पुलिया पे थे भर के लाए का जल ट्रैक्टर में कलश यात्रा के लिए, तो फिर वो भीतर चली जाती है खाइयों में और वहाँ में पलंगते आ सामने से एक आदमी आ जाए तो फिर निकरवे की जगह। अब बकरियों को झुंडू कैसे निकरे। अब आगे से हमारी गाड़ी गई तो बकरियों को झुंड तो गए वो एक खारसे में। अच्छा शाम को लौटते समय जो बकरियां भी अपने घर को सीधा रास्ता जानती हैं वे, है ना। अब जब वो बकरियों वाला आदमी जब खारसे में घुसान लगे हो तो वे सोच में पड़ गई कि इतकू तो हम कबू ना गए। लौटते समय वो सोच रही कि जाओ जा खार में तो हम कबू ना गए, तो वो रेद है लेकिन वे घुसे नहीं, इतना तो वो भी जानती है। फिर जैसे तैसे गाड़ी पार भई तो वहां एक बकरिया थी जिसके गले में दो थन थे, गले में दो थन की बात कर रहा हूं, देखे तुम लोग गले में दो थन। अब मुझे बताओ जी दो थन का काम क्या? परेशानी की तो जड़े बिना बात है, बिना बात है लटक रहे हैं दो थन नवे दूध के काम के। हाँ कबो कबो कोई बालक को पकड़ के मैंने खेचा डोला तो जजी और परेशानी खड़ी होती है, है? हमारे शास्त्रों में इसकी बड़ी अच्छी बात कही है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यस्य कोऽपि न जायते। मनुष्य का जीवन पाकर के जिसने इन चारों में से कोई काम न किया हो, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ का पुरुषार्थ,
या जीवन में अपने सुख मौजू नहीं ले पाई हों। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में से एक काम जाने न करो और वैसे ही मर गो तो भाई न्यो समझो वो बकरिया के गले को थनु है कऊ काम को नहीं रहो। अजा अजा मानी बकरी अजा गल स्तनस एव वो बकरिया के गले का थन है। तस्य जन्म निरर्थकम बाको जन्म तो बिल्कुल बेकार है। कैसे वह बकरिया के गले के थन की तरह। तो भैया ऐसे मत बनियो थनऊ बनना हो तो कम से कम दूध वाई तो बनियो है। चारों पुरुषार्थों में से कोई नहीं किया बताओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई नहीं और जी करके चले गए। यही बात कह रही है देवहूति कि साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म। ऐसी मैं ऐसे महापुरुष को पा करके जो जीवन मुक्त है करदम, लेकिन मेरे अंदर न तो धर्म पैदा हुआ न अच्छे कर्म कर पाई न वैराग्य पा सकी न तीर्थ पद सेवा आई है। तीर्थ परमात्मा को भी कहते हैं और तीर्थ संतों को भी कहते हैं और तीर्थ धाम को भी कहते हैं। ठीक है, मैं इनमें से कोई काम नहीं कर पाई न तीर्थ पद सेवा आई। जीवन अपि मृतो ही सह, मैं जीते जी भी मैं तो मरी की मरी रही। ऐसे समझ लो बकरिया के थन की तरह यह कहना चाहती है। साहम ऐसी में भगवतो नूनम वंचिता माने ठगी गई, वंचिता माने ठगी गई मायया दृढ़म। तुम्हारी जो माया है हे ठाकुर उस दृढ़ माया ने मुझे ठग लिया। बोले क्यों? यत्वां विमुक्तिदं प्राप्य, मुक्ति के दाता होते हुए भी आप जैसे पति को पा करके न मुमुक्षेय, मेरे अंदर मुमुक्षा जगी नहीं है। मैंने कभी आपसे वो ज्ञान और भक्ति पूछा नहीं और आपने कभी बिना पूछे दिया नहीं तो मेरा तो जीवन बेकार चला गया। न मुमुक्षेय बंधनात्। जासु भवन सुर तरु तर जासु भुवन सुर तरु तर होई सहे के दरिद्र जनित सुख दुख सो सहे के दरिद्र जनित दुख सो करदम जी महाराज चले गए और ये कह करके कि तेरी कोख से जो जन्मा है वो परमात्मा है, तुझे चिंता मत करना, तेरा ये बेटा ही तुझे मुक्त कर देगा। और देवहूति जैसी माताएं जब तपस्या करके कोई संतान पैदा करती हैं तो फिर वो संतान ही उस माँ का कल्याण कर देती है। ऐसी जननी को प्रणाम करता हूँ जिनके कपिल जैसे पुत्र पैदा हों, ज्ञानी भक्त जीवन मुक्त, लेकिन ऐसी ऐसा पुत्र तब पैदा होगा जब कोई देवहूति जैसी माता हो जिसने तपस्या करी हो साधना करी हो किसी महात्मा की सेवा करी हो।